गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीक में जीएसटी पोर्टल के अंदर काफी सारे चेंजेस जो हैं वो किए गए हैं। मैं एक एक करके आपको सारे चेंजेस जो हैं समरी के रूप में बताने वाला हूँ। सबसे पहला चेंज जो है वो रिफंड सेक्शन में आया है। आप जब रिफंड सेक्शन में जाएंगे और एप्लीकेशन फॉर रिफंड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पहले जुलाई 17, जी हाँ फ्रेंड, जैसा आपको पता ही होगा जुलाई 17 का जो डेटा है वो हटा दिया गया था पोर्टल से। उसके बाद कुछ दिनों में GSTR 3B यानी कि GST रिटर्न्स का डेटा तो पॉपुलेट करवाया गया था, लेकिन रिफंड का जो है जुलाई 17 का एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा था। अब जुलाई 17 का जो एप्लीकेशन है उसे इनेबल कर दिया गया है। अगर आपका कोई भी रिफंड रुका हुआ है तो अब आप जुलाई 17 से फाइलिंग कर सकते हैं, अगर आपका टाइम पीरियड पेंडिंग है तो। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन नहीं आ रहा था इसकी वजह से अगर आप कोई दूसरे महीने का एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे थे तो वो आपको पोर्टल जो है अलाउ नहीं करता है। तो ये एक बड़ा चेंज जिसमें कि जुलाई 17 का डेटा रिफंड के लिए अवेलेबल करवाया गया है। दूसरा चेंज है हमारे पास एनुअल रिटर्न से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारा एनुअल रिटर्न है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको टेबल 8A का डिटेल्स जो है वो अवेलेबल करवा के दिया जा रहा है। टेबल 8A क्या चीज है? टेबल 8A वो डेटा है जो कि आपके GSTR 2A से ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होता है आपकी GSTR 9 के अंदर। तो यहाँ पे टेबल 8A का डॉक्यूमेंट डिटेल्स जो है वो अवेलेबल करवा दिया गया है सही फॉर्मेट में, और इसके अंदर जो डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है इससे आप अपना टेबल 8A को 2A के साथ रिकंसाइल कर पाएंगे। GSTR 9, 9A, 9C और GSTR 4 जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन जो है वो आती है। इसी वजह से GST प्लेटफॉर्म ने 23 और 30 अगस्त 2020 यानी कि कल और नेक्स्ट संडे को दो कंसेक्यूटिव वेबिनार्स एनुअल रिटर्न के रिस्पेक्ट में ऑर्गेनाइज किया है। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशंस चलने वाले हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं सीट्स फुल होने से पहले। तीसरा अपडेट है जो हमारे पास कंपैरिजन ऑफ लायबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड ITC क्लेम्ड वाला सेक्शन है, अब इसे फिर से अवेलेबल करवा दिया गया है। और इसके अंदर आपको जो है अप टू डेट इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके 2A में कितना आ रहा है, आपके GSTR 3B में कितना आता है, साथ ही साथ जो लायबिलिटी आपने 3B में डिक्लेयर करी है और GSTR 1 में डिक्लेयर करी है उन सारे चीजों की लायबिलिटी एंड क्रेडिट स्टेटमेंट जो है वो अब आपके सामने समराइज्ड फॉर्म में रिफ्लेक्ट कर दी जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपना GSTR 3B और 2A का और साथ ही साथ GSTR 1 का एक रिकंसिलिएशन जो है वो चेक कर सकते हैं और अपनी फाइलिंग से पहले इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है हमारा GST रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, 21st अगस्त 2020 को GST रजिस्ट्रेशन के अंदर आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। क्या प्रोविजंस हैं और किस तरीके से आप प्रैक्टिकली उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इन दोनों ही विषयों पे वीडियोस मैंने डिटेल्ड में अपलोड करी है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एडवाइजरी भी इशू करी है कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन जो है GST रजिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ बताई गई। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो है उसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है नोटिफिकेशन नंबर 62 को इशू करने के बाद। इस प्रोसेस के अंदर हर एक इंडिविजुअल, हर एक ऑथोराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप ऑफ बिजनेस या फिर मैनेजिंग या ऑथोराइज पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म या फिर HUF है तो कर्ता ऑफ एन HUF अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं उनको EKYC ऑथेंटिकेशन करना होगा अपना आधार नंबर से। एप्लीकेंट हु आइदर डू नॉट प्रोवाइड आधार, या तो आप आधार प्रोवाइड नहीं करते हैं या फिर आधार प्रोवाइड करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन आधार से वैलिडेट नहीं करते हैं तो टैक्स अथॉरिटी जो है वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पे भी आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर सकती है और फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पे भी आपका GST रजिस्ट्रेशन जो है वो दिया जा सकता है।
टाइमलाइंस क्या रहेंगी? अगर आप आधार से ऑथेंटिकेट करते हैं तो क्या टाइमलाइंस, आधार से ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं तो क्या टाइमलाइन रहेगी? अगर आपने सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट कर दिया है अपना आधार तो रजिस्ट्रेशन जो है आपको 3 दिनों के अंदर मिल जाएगा, यानी कि जो पुराने रूल्स हैं वही लागू होंगे। अगर 3 दिनों के अंदर ऑफिसर कोई एक्शन नहीं लेता है तो डीम्ड अप्रूव माना जाएगा। लेकिन आधार ऑथेंटिकेशन आपने ऑप्ट नहीं किया, जब आप वो प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे तो वहां पे आपको समझ आएगा कि आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट कैसे करना है और ऑप्ट कैसे नहीं करना है। अगर आप उसे ऑप्ट नहीं करते हैं या फिर ऑप्ट करने के बाद आपका आधार ऑथेंटिकेशन या तो फेल हो जाता है वैलिडेशन में एंड SCN आपको 21 डेज के भीतर भीतर नहीं मिलता है तो वो रजिस्ट्रेशन डीम्ड अप्रूव होगा। यानी कि आधार ऑथेंटिकेशन के फेलियर की वजह से 3 दिन का टाइम पीरियड 21 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। टैक्स ऑफिसर जो है आपको SCN इश्यू कर सकता है ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए 3 दिनों के अंदर। लेकिन अगर आप आधार नहीं देना चाहते हैं या आधार ऑथेंटिकेट नहीं कराना चाहते हैं तो आपका 21 डेज का टाइम पीरियड जो है वो चालू होगा और SCN रिसीव होने के बाद अगले 7 दिनों में आपको उसका रिप्लाई देना पड़ता है। तो आधार नंबर देने से काम जल्दी होगा, आधार नंबर मिस करेंगे काम में डिले हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने बताई हैं कि जब आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाए तो ऑथेंटिकेशन लिंक आपको GST के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा, जिसको क्लिक करके आप आधार ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। जब आप वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक करेंगे आधार ऑथेंटिकेशन का एक विंडो आएगा जिसमें आधार नंबर से रिलेटेड जो मोबाइल है उसमें OTP जाएगा। काफी लोगों का ये सवाल है कि मेरा आधार और मोबाइल लिंक नहीं है, इस केस में क्या करें? कोई ऑप्शन नहीं है, आपको आधार और मोबाइल नंबर लिंक करना ही होगा तभी वो OTP रिसीव होगा। और मोबाइल नंबर वो होना चाहिए जो एक्टिव है, अगर एक्टिव मोबाइल नंबर नहीं है तो आप आधार ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएंगे। टैक्स पेयर नीड टू कंप्लीट आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑल द प्रोमोटर्स पार्टनर्स ऑथराइज सिग्नेटरीज एंड कर्ता एटसेट्रा एज मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन टू अवेल दिस ऑप्शन। अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो जितने पार्टनर हैं हर एक पार्टनर का आपको आधार ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन को सक्सेसफुली सबमिट करने के लिए। एप्लीकेशन कैन बी एक्सेस बाय द लिंक गिवन बिलो, ये लिंक यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। यहाँ पर ये सारी चीजें थ्योरेटिकली हैं, हमारी वीडियो में आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगी। पर्संस ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन GST पोर्टल, जो भी बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसे अभी आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना है एट दिस स्टेज, ये सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है। और जो लोग एग्जेम्प्टेड हैं उन्हें आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस जो है नहीं करना है, जैसे कि फॉरेन सिटीजंस ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन, रिफंड एप्लीकेशन, कंपैरिजन टूल, GSTR 9 का Table 8A, इन सारे ही विषयों पे ध्यान रखते हुए GST पोर्टल के अंदर वर्किंग्स जो है वो करनी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक GST पोर्टल के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं अगस्त के इस महीने में वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।